फर्स्ट चैप्टर की एग्जांपल 1.4 है। ये गिवन फार्मूला है वी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ़ क्रॉस एल ओवर एम। हमने इसके बारे में ये देखना है कि क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इस फार्मूला की या इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड करेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल आ गई तो फिर ये फार्मूला डायमेंशंस के लिहाज से करेक्ट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी या स्पीड है वी, इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। जब किसी फिज़िकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी डायमेंशन लिख रहे हैं। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन होगी एल और टाइम के लिए कैपिटल टी। अब ये टी बटे में है, जब बटे से ऊपर आएगा तो इसके लिखेंगे एल टी इनवर्स, यानी एल टी की पावर माइनस वन। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें ये डायमेंशन हासिल हुई, हमने इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। इस फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल ओवर एम है, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल ओवर एम, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, जिसका मतलब है इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। अब हम स्क्वायर रूट हटा के इसकी जगह लिख सकते हैं पावर वन ओवर टू। और उससे अगले स्टेप में हमने फोर्स की डायमेंशन पहले अलहदा से कैलकुलेट की हुई है पिछले लेक्चर्स में, तो आप फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। एल फॉर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, और एम मास है, इसके लिए डायमेंशन आएगी कैपिटल एम। ये स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन को शो करती है। ये जो बटे में एम था, जब बटे से ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस वन होगी। जो पहले से ऊपर मौजूद एम है इसकी पावर वन है। ये एल और ये एल मिलेंगे, इनकी पावर्स ऐड होंगी वन प्लस वन, और टी की पावर बन गई माइनस टू। यहाँ एल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ कोई पावर ना लिखी हो उसकी पावर वन होती है। ये बेस एक में लिखा इनको, एम की पावर वन माइनस वन, एल की पावर टू और टी की पावर माइनस टू। और ये ऊपर पावर है वन ओवर टू ओवरऑल सब क्वांटिटीज़ की। ये जो वन ओवर टू पावर है ये अंदर तमाम रकमों की पावर बन जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एम की पावर बन जाएगी वन माइनस वन ज़ीरो, एल की पावर टू और जो बाहर वन ओवर टू पावर थी वो मल्टीप्लाई हुए, टी की पावर माइनस टू और बाहर वन ओवर टू पावर थी वो मल्टीप्लाई हुए, तो टू और टू और ये माइनस टू और टू कैंसिल हुए। एम की पावर ज़ीरो का मतलब है आंसर आएगा वन, इसको ख़त्म कर दिया, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमें हासिल हुई है एल टी इनवर्स। हमने लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन कैलकुलेट की थी, वो भी एल टी इनवर्स था, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स है। इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन सी दैट डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। और जब किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फार्मूला में उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाएं, तो फिर वो फार्मूला डायमेंशंस के लिहाज से करेक्ट होता है। सो हमने लिख दिया कि जो गिवन फार्मूला है, दिस फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था।